फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि एक कार की रेगुलर मेंटेनेंस कैसे करी जाती है। आप अपने घर में भी आप अपनी रेगुलर कार की रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये एक वेरी बेसिक कार है, मारुति 800, जो मेरे पास लास्ट 15 साल से है। मैं ज़्यादा मैकेनिक को भी नहीं दिखाता हूँ, रेगुलरली अपनी मेंटेनेंस में खुद कर लेता हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग अपना जो रेगुलर जो इसमें पार्ट्स हैं या रेगुलर जो इसमें ऑयल चेंजिंग या वाटर टॉपअप करना है, वो कौन कौन से जगह में किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है ये आपका जो है, इसमें वाटर आप टॉपअप करना है। ये आपके वाइपर के लिए है। इसमें आप वाटर जो है रेगुलरली एवरी 1 महीना 2 महीना में टॉपअप करते रहिए, और इसको एक लेवल इंडिकेटर दिया है, उस वहाँ तक उसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रेडिएटर का लिक्विड। यह वाला टैंक जो दिया है छोटा वाला, इसमें आपका रेडिएटर का लिक्विड रहता है। रेडिएटर का लिक्विड नॉर्मली आपको पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा, 10 रुपया 20 रुपये में 1 लीटर आता है, वो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। आप एक ख़रीद लीजिए और रेगुलरली इसको चेक करिए। समटाइम्स आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि रेगुलेटर का लेवल कम हो गया है, तो इसको आप इसकी नॉब को ओपन करके एक बार लिक्विड का लेवल इसमें देख सकते हैं। इसमें भी देखिए, और इसका जो टैंक दिया है वो भी देखिए कि इसको टिक टॉप अप करना है क्या। इसके बाद आता है आपकी बैटरी की लाइफ कैसी है, बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो नॉर्मली ऑल बैटरीज में, जैसे एमरॉन की बैटरी है, ऑल बैटरीज में एक इंडिकेटर दिया जाता है। जैसे ग्रीन इंडिकेटर है कि अंदर में, अगर आपको ग्रीन दिख रहा है, देखिए थोड़ा ग्रीन दिख रहा होगा, अगर ग्रीन दिख रहा है तो बैटरी की कंडीशन अच्छी है। अगर वाइट है अंदर में, दैट मीन बैटरी को इधर रिप्लेस करना है और इसको चार्ज करना है। अगर आप चार्जिंग कराना चाहते हैं तो नॉर्मली आप किसी भी पास के मैकेनिक के पास ले जाइए। इसको खोलना बहुत ईजी रहता है, ये क्लैम्प है, इसका एक तरह का स्क्रू खोलिए, स्क्रू खोलने से क्लैम्प बाहर आ जाएगा, देन इस दोनों के कनेक्शन आप निकाल सकते हैं। ये दोनों कनेक्शन निकालने के बाद बैटरी आप बाहर निकाल के मैकेनिक के पास ले जाइए। नॉर्मली चार्जिंग में 100-150 रुपये ही लगता है, और ओवरनाइट चार्जिंग करने के बाद में अगेन इसको ला के आप खुद ही फिक्स कर सकते हैं। तो ये बैटरी होने के बाद में आप देखेंगे ये ब्रेक ऑयल का, यहाँ पे ब्रेक ऑयल फिलअप किया जाता है। देखिए इसमें लेवल थोड़ा कम हो गया है, तो इसमें हम टॉप अप कर देंगे थोड़ा ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल आप हमेशा अपने पास में रखिए, जैसे हमने ये रखा हुआ है, ये ब्रेक फ्लूइड है HP का, कम दिस साइड, इसको हम थोड़ा टॉप अप कर देंगे। इसमें लेवल दिया हुआ है, कौन कितने लेवल तक फिलअप करना है, पकड़ो, देखो ना इसमें, इसको दिखाओ। तो आप धीरे धीरे करके इसको फिलअप कर दीजिए। 1 लेवल तक इसको फिलअप करना है, जो मैक्सिमम लेवल है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये भी आप 3-4 महीने में एक बार चेक कर लीजिए, और ज़रूरत पड़ने से इसको आप फिलअप कर सकते हैं। ब्रेक ऑयल हमेशा साथ में रखिए, क्योंकि कभी भी लीकेज हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी में काम आता है, इसको हमेशा गाड़ी में रखिएगा। देन इसको होने के बाद में बंद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इंजन ऑयल कैसे चेक करना है। तो नॉर्मली इंजन में एक इस तरह का एक इंडिकेटर लेवल दिया रहता है, जैसे आप देख रहे हैं, इसको आप निकालिए और इसमें देखिए, होल्ड इट, ये नॉर्मली टू पॉइंट्स इसमें दिए हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑयल का लेवल रहना चाहिए। तो समटाइम्स इसमें आता नहीं है, तो आप इसको एक वाटर से क्लीन करिए, सॉरी क्लॉथ से क्लीन करिए, देन अगेन उसमें डालिए, शो इट, डालने के बाद अगेन निकालिए और देखिए कैसा लेवल है। देखिए ये इन दोनों के बीच में आया, आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेवल आया। तो अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में है, दैट मीन ऑयल लेवल ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि ऑयल काला पड़ गया है, तो ऑयल को चेंज करने की ज़रूरत है। जब ऑयल काला पड़ जाता है, नेचुरल कलर नहीं रहता ऑयल का, तो आप इसको चेंज करा लीजिए। ऑयल को चेंज कराना आजकल बहुत ईजी है,
आप किसी भी IOCL या HPCL या BPCL के पेट्रोल पंप पे चले जाइए, वहाँ पे ऑयल चेंजिंग की जो कन्वीनियंस है वो रहती है, वो कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेते हैं, ओनली ऑयल का चार्जेस लेते हैं, ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए चार्जेस कुछ नहीं लेते हैं, तो आपको मैकेनिक के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बुकलेट में भी दिया रहता है कि एवरी कितने किलोमीटर के बाद में ऑयल चेंज करना है, वो भी आप देख के ऑयल चेंज करा सकते हैं। उसके बाद आता है गियर बॉक्स का ऑयल, तो ये गियर बॉक्स का ऑयल का एक इंडिकेटर दिया है ये नीचे में, इसको आप खोलिए और इसमें भी एक लेवल दिया रहता है, इसमें अगर लेवल यहाँ से यहाँ तक है, इसमें अगर लेवल दिया जो लेवल है, अगर इसमें लेवल तक अगर ऑयल आ रहा है तो दैट मीन्स आपका गियर बॉक्स ऑयल इसमें सफिशेंट है और हेल्दी ऑयल है। तो ये सारे चेक पॉइंट्स हैं जो आप नॉर्मली आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में आप अपनी रेगुलर इसकी मेंटेनेंस करवा सकते हैं, आप इधर इसको अपने मैकेनिक के पास दिखा सकते हैं, और अगर कुछ रेगुलर मेंटेनेंस है तो आप खुद भी अपने घर में कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।